महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली के साथ साथ कल्याण डोंबिवली शहर में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे हजारों घरों में पानी घुस गया था। हजारों लोगों का घर उध्वस्त हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। तहसीलदार व तलाटी अधिकारी भी उनकी तरफ दुर्लक्षित कर रहे हैं। 4 अगस्त को डोंबिवली के आयरे गांव, नवीन देवचापाड़ा आदि भागों में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे हजारों लोगों के घर में पानी घुसने से घर की जीवन उपयोगी सामान नष्ट हो गया। सरकार की तरफ से मदद की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। आयरे गांव के सैकड़ों रहवासियों का घर पानी में डूबा था। स्थानीय भाजपा का नगर सेवक है जो बाढ़ पीड़ितों को देखने भी नहीं आया, इसलिए कुछ महिलाएं तलाटी कार्यालय में जाकर मदद मिलने के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंची, लेकिन वहां के अधिकारियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद अनेक महिलाएं तहसीलदार कार्यालय में जाकर नया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के लिए गईं। इस ज्ञापन में जिसमें लिखा था कि अगर आचार संहिता से पहले बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिली तो सभी बाढ़ पीड़ितों द्वारा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मेरा नाम राजाभाऊ कृष्णराव दुर्देव है। मैं रैत राज्य श्रमिक महासंघ नाम की कामगार लोगों की संगठन चलाता हूँ और मैं आयरे गांव में रहने के लिए हूँ। वहाँ पर बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों का घरों का नुकसान हुआ है। अनाज, कपड़ा, घर में का जो कुछ यूज़ करने का वस्तु है वो सबका बहुत सारा नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बावजूद अभी 2 महीना हुआ है। अभी तक सरकार ने जो मदद भेजी है आयरे गांव परिसर में वो बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को अनाज नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है। इसकी वजह से आज हम सब हमारे जो लोग हैं संगठन के, हम यहाँ पर तहसीलदार साहब को मुलाकात के लिए आए तो तहसीलदार साहब नहीं थे, तो नायब तहसीलदार साहब ने हमारी भेंट लेकर हमारे को आश्वासन दिया है कि भाई जब तक पैसा आ जाएगा तो हम बांटना शुरू करेंगे। फिर भी हमने बोला है कि आचार संहिता के पहले ही अगर आपने पैसा नहीं, हम मदद अगर जारी नहीं की तो हम लोग इस तहसीलदार कार्यालय के सामने धरने आंदोलन, उपोषण और जन आंदोलन खड़ा करें। यहाँ वहाँ पर करीबन 1058 कुछ लोगों का यादी अभी सरकार ने बनाया पूर्वग्रस्त का, तो उसमें के खाली 200-300 लोगों को ही आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिल चुकी है। बाकी 700-800 लोग अभी भी वहाँ पर वंचित है, उसके वजह से ये सब लोग अभी संताप अपना व्यक्त कर रहे हैं। गीता, अगर सरकार रास्ता बनाने के लिए 4,071 करोड़ रुपए देने को तैयार है, तो हम लोग जब पानी भी डूबे हैं, पूर्वग्रस्त हैं हम लोग, तो हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकती क्या आपकी सरकार? हाँ, उसके लिए हम उन लोगों के पास पैसा नहीं है और रास्ता बनाने के लिए पैसा है, और हम लोग को गरीबों के लिए पैसा नहीं है। जो हमारा इतना सब डूब गया, जो खराब हो गया, जो हमारे बच्चे लोग, हम लोग को हालत खराब हो गया, हम लोग के लिए पैसा नहीं है और रास्ता बनाने के लिए और इधर उधर बांटने के लिए पैसा है। ये औरत लोग क्या बड़े दिख रहे हैं क्या, करोड़पति हैं क्या? सब तो गरीबी है ना, कोई काम करता है, कोई खाने खाने के लिए हम लोग तरस गए हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है, नासन क्या, बिस्तर क्या, कुछ भी नहीं। हम लोग का कोई ये नहीं है, कोई देखने तक नहीं आया। हम लोग क्या इधर के नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं, हम लोग हिंदुस्तान के नहीं है। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।